आधे ने भेजा अनुपमा को लेटर। डिम्पी ने लगाए टीटू और नंदिता पर आरोप। स्टार प्लस के शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि आद्या को अनुपमा के खाने के टेस्ट की वजह से ही पता चल चुका है कि खाना अनुपमा ने बनाया है। अब अनुपमा का टिफिन आद्या के पास होता है। आद्या सोचती है कि ये एक अच्छा मौका है जिसे वो अनुपमा तक अपनी बात को पहुंचा पाएगी। आद्या कहती है कि मैंने सुना है कि टिफिन कभी भी खाली नहीं भेजना चाहिए, और वो कहती है कि क्या मैं इसमें अपने चॉकलेट्स डाल दूं। आद्या टिफिन में चॉकलेट्स के साथ साथ एक नोट भी डाल देती है जिसे अनुपमा को ये पता चल जाए कि आद्या कहाँ है। वही अनुपमा की बात की जाए तो अनुपमा अपने स्टॉल में बिजी है। अनुपमा के स्टॉल में अनुपमा और अनुज का रोमांस भी दिखाया जा रहा है। स्टॉल में सब अनुपमा के खाने की तारीफ करते हैं और वनराज अनुपमा से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। टीटू और डिम्पी की बात की जाए तो लगातार दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। बुके में टीटू कुछ नोट लिख रहा होता है, डिम्पी वहां पर आती है। पहले तो उसे लगता है कि ये नोट उसके लिए है, लेकिन जब उसे पता चला कि ये उसके लिए नहीं है तो वो गुस्से में सबके सामने तमाशा करती है और कहती है कि टीटू नंदिता को लव लेटर लिख रहा है। मीनू सबके सामने ये बताती है कि लेटर और बुके का आइडिया उसका था और ये नंदिता के लिए नहीं बल्कि अनुपमा के लिए है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अनुपमा तक पहुंचेगा आद्या का लेटर। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।